अफेक्ट ऑफ सरफेस एरिया एंड लाइट ऑन द रिएक्शन रेट। लास्ट टाइम हमने रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर अफेक्ट पढ़ा था नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स का एंड कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स का। नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स के अंदर कंसेंट्रेशन, नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स के अंदर हमने मुख्तलिफ चीज़ें देखी थी। एक तो ये कि बॉन्डिंग टाइप, फॉर एग्जाम्पल आयनिक बॉन्डिंग या कोवलेंट बॉन्डिंग, इसके अलावा सिंगल बॉन्ड्स हैं, डबल बॉन्ड्स हैं या ट्रिपल बॉन्ड्स हैं, नंबर ऑफ टोटल बॉन्ड्स कितने हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड्स। इसके अलावा हमने मुख्तलिफ मजीद फैक्टर्स देखे थे, फॉर एग्जाम्पल अल्कली मेटल्स या अल्कली अर्थ मेटल्स की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ग्रुप टू के अल्कली अर्थ मेटल्स, इनका आपस में हमने कंपैरिजन किया था। हमने सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, इन तीनों का आपस में कंपैरिजन किया था, और हमने कहा था कि अगर एक्वस मीडियम हो तो उसमें किस किस्म से रिएक्शंस बिहेव करते हैं। सो ये नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स के मुख्तलिफ पॉइंट्स थे। हमने तमाम का रिलेशनशिप देखा था विद द रिएक्शन रेट। कंसेंट्रेशन में हमने ये बोला था कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, ठीक है। और जो रेट इक्वेशन होती है ये आपको बेसिकली बता रही होती है कि किस रिएक्टेंट के हिसाब से किस ऑर्डर के ऊपर डिपेंड कर रहा है रेट ऑफ रिएक्शन। सो बेसिकली रेट डिटर्मिनिंग स्टेप जो है उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है इससे, और आपको ये भी पता चल जाता है कि किस रिस्पेक्टिव रिएक्टेंट को चेंज करने से रेट ऑफ रिएक्शन पे ज़्यादा फर्क पड़ेगा। आज जो हमारा टॉपिक है इट इज़ कंसर्न्ड विद द सरफेस एरिया एंड लाइट अफेक्ट ऑन द रिएक्शन रेट। अब सरफेस एरिया जो है इसका मतलब क्या है, इसकी मैं एग्जाम्पल आपको ग्राफिकली मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। लेट से कि आपने जिंक का या कोई और मेटल है, फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम है, आपने इसका रिएक्शन कराना है विद HCl। नाउ यू नो यू हैव बीन स्टडिंग इन जो मैट्रिक आल्सो के जब कोई मेटल जो होता है इट रिएक्ट्स विद एन एसिड, सो अ सॉल्ट इज फॉर्म्ड अलोंग विद द रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस। इन केस ऑफ जिंक द सॉल्ट इज जिंक क्लोराइड एंड इन केस ऑफ मैग्नीशियम द सॉल्ट इज मैग्नीशियम क्लोराइड एंड अलोंग विद द रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब ये रिएक्शन लिखने में तो बहुत इजी है, बट आप ये पढ़ चुके हो, रिएक्शन की डायनामिक्स हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर डिस्कस की हैं। रिएक्शन डायनामिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से रिएक्शन तो सिर्फ तब होगा अगर अफेक्टिव कोलिजन्स हो रहे हैं, और अफेक्टिव कोलिजन्स के बारे में हमने ये पढ़ा कि अफेक्टिव कोलिजन्स दो चीजों पर डिपेंड करते हैं। एक तो ये कि देयर मस्ट बी अ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स, जिसको हम EA या एक्टिवेशन एनर्जी कहते बोलते हैं। ये एक्टिवेशन एनर्जी काइनेटिक एनर्जी ही से आ रही होती है। और दूसरा एक और हमने फैक्टर पढ़ा था, वो ये था कि प्रॉपर ओरिएंटेशन इज नेसेसरी, एक मखसूस ओरिएंटेशन या रुख के साथ वो एक दूसरे के सामने मॉलिक्यूल्स आएंगे तब एक अफेक्टिव कोलिजन आएगा। अदरवाइज अफेक्टिव कोलिजन अगर नहीं हुआ तो वो सिंपली बाउंस बैक कर जाएंगे और कुछ भी नहीं, आपके पास प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा। अब अफेक्टिव कोलिजन्स प्रोड्यूस कराने के लिए अगर आप प्योर फॉर्म में सॉलिड जिंक या सॉलिड मैग्नीशियम की अगर आप कोई एक पार्टिकल बड़ा सा पीस ले लो और उसको आप एक्वस HCl के अंदर अगर आप डिसॉल्व कर दो तो क्या तब रिएक्शन तेज होगा या सरफेस एरिया का क्या रोल होता है, ये आपको मैं ग्राफिकली आगे एक्सप्लेन करता हूं। इन दिस डायग्राम ये जो आपको ग्रीन कलर की बॉल्स नजर आ रही हैं, दीज बॉल्स आर बेसिकली रिप्रेजेंटिंग द सॉलिड पार्टिकल्स ऑफ जिंक। नाउ सिंस जिंक इज अ सॉलिड तो जिंक जो है वो सारे आपस में जुड़े हुए होंगे, और एक सॉलिड में जिसका आपको पता है कि मेटेलिक स्ट्रक्चर है, दिस इज अ मेटेलिक स्ट्रक्चर, दिस इन ब्लैक जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इट्स अ मेटेलिक स्ट्रक्चर। एंड बेसिकली रिएक्शन डायनेमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जिंक के सामने जब एच प्लस आइन्स आते हैं तो ये आपस में इनका रिएक्शन हो जाता है। H+ जो है ये बेसिकली जिंक को ऑक्सीडाइज कर देते हैं एंड जिंक चेंजेस इनटू जिंक प्लस 2, ठीक है। और H+ जो है वो इटसेल्फ रिड्यूस होकर हाइड्रोजन गैस में चेंज हो जाता है, इसको हम बैलेंस्ड फॉर्म में यूं करके रिएक्शन को लिखते हैं। तो दो H+ जो है ये दो इलेक्ट्रॉन्स जो है ये लेंगे और जिंक जो है दो इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा। दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन। यू डू नॉट नीड टू अंडरस्टैंड कि रिएक्शन हो किस तरह रहा है, आपको यह पता होना चाहिए कौन सी चीज किसके सामने आएगी तो रिएक्शन होगा। अब इसमें यह है कि जिंक जब हाइड्रोजन के सामने आएगा तब रिएक्शन होगा। और ये जो आपको रेड या इस ये बॉल्स नजर आ रही हैं, दीज बॉल्स आर बेसिकली हाइड्रोजन आइंस,
सी हाइड्रोजन आयंस कैन हिट द आउटर लेयर ऑफ द एटम्स. नाउ अब चूंकि आपने एटम सारे एक बल्क में लिए हुए हैं, बल्क का मतलब होता है इकट्ठे, ठीक है, ये एक बल्क के अंदर इकट्ठे आपने सारे लिए हुए हैं, सो अफेक्टिव कोलिजन जो है वो सिर्फ साइडों पे हो सकते हैं. ये जितने हाइड्रोजन आ रहे हैं वो साइडों से आके टकरा रहे हैं इस पूरी स्ट्रक्चर के साथ, जो पूरा नेटवर्क ऑफ जिंक या मैग्नीशियम एटम्स है या कोई भी और आप मेटल का रिएक्शन करवा सकते हो. अब नाउ लेट्स कंसीडर अनदर केस. अब इसमें जो टोटल सरफेस एरिया है ना, मैं उसका क्लियर कर देता हूं आपको. सरफेस एरिया इसमें ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जिसको मैं रेड से हाईलाइट कर रहा हूं, दिस इज द टोटल सरफेस एरिया जिस एरिया के ऊपर रिएक्शन हो रहा है, और ये एरिया आप बड़े इजीली निकाल सकते हो. नाउ लेट्स कंसीडर अनदर केस. इन दिस डायग्राम जो नीचे की है, इसमें हमने क्या किया कि उसी जिंक को हमने स्प्लिट कर दिया, यानी दिस इज लेट्स से पाउडर्ड फॉर्म, उसके आपने छोटे छोटे पार्टिकल्स बना दिए. लेकिन अब आपने जब जिंक को पार्टिकल्स बनाया है ना, तो अब आप देखो कि ये जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन हैं, ये हर साइड से अब कोलाइड कर सकते हैं. यानी अब सरफेस एरिया जो मैं टोटल लूंगा, एक तो हर ब्लॉक का अलग अलग मैं लूंगा, सो ओवरऑल जो टोटल एरिया है जिसके ऊपर कोलिजन्स हो सकते हैं, वो एरिया अगर आप देखो तो वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि इंडिविजुअल ब्लॉक्स का सारा एरिया आपको एड करना होगा. ठीक है, इट्स बेटर टू अंडरस्टैंड इट इन टर्म्स ऑफ द टोटल पेरीमीटर, क्योंकि ये 2D में आपको नजर आ रहा है, तो यहाँ पे आप पेरीमीटर के पॉइंट ऑफ व्यू से अंडरस्टैंड करो तो ज्यादा बेहतर है. द टोटल पेरीमीटर, द टोटल लेंथ जिसके ऊपर रिएक्शन पॉसिबल है, वो तमाम इन लेंथ का कॉम्बिनेशन है. ठीक है, एंड दिस इज डेफिनेटली द टोटल लेंथ इज ग्रेटर देन दीज फोर साइड्स टुगेदर. सो ओवरऑल अब आपके जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत इजिली टकरा सकते हैं. ठीक है, हियर यू कैन सी इट्स रिटन विद द सेम नंबर ऑफ एटम्स, टोटल आपने ग्रीन एटम्स का नंबर उतना ही रखा हुआ है. Now split into lots of smaller bits, छोटे छोटे आपने pieces में कर लिया. There are hardly any magnesium atoms inaccessible to the hydrogen ions. Inaccessible का मतलब है जहां तक hydrogen की पहुंच थी ही नहीं. ठीक है, यहां जैसे ऊपर आपको नजर आ रहा है, but these are the center of the lump. ये पूरा एक lump है जिसके center के atoms पे तो hydrogen टकरा ही नहीं सकता. So they will be unreactive. यहां पे तो रिएक्शन हो ही नहीं रहा दरमियान वाले, सिर्फ साइडों वालों का रिएक्शन हो रहा है. बट इसमें यह है कि द टोटल नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजंस हैव इंक्रीज्ड और रिएक्शन बहुत ज्यादा होने लग जाएगा. ठीक है, तो इन शॉर्ट होगा ये कि जो नीचे वाला केस है जिसमें आपने पाउडर्ड फॉर्म में जिंक को या मैग्नीशियम को या कोई भी आपने और मेटल लिया हुआ है, इसका जो रिएक्शन रेट है ये इंक्रीज कर जाएगा. सो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सर्फेस एरिया, या इसको बोलना चाहिए एक्सपोज्ड एरिया, द एरिया विच इज एक्सपोज्ड इन टू द अदर रिएक्टिंग स्पीशी. जो दूसरा आपके पास रिएक्टेंट है उसके सामने एक्सपोज कितना हिस्सा हुआ हुआ है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा. इसकी एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एल्यूमिनियम लो, एल्यूमिनियम शीट्स की फॉर्म में नॉर्मली होता है, ठीक है, सिल्वर कलर की शीट्स होती हैं, और लेट्स से के दिस इज एन एल्यूमिनियम शीट, सो दिस इज एन एल्यूमिनियम शीट, और इस शीट के ऊपर मैं अगर रिएक्शन करवाऊं विद सोडियम हाइड्रोसाइड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो रिएक्शन तो हो जाता है बट इट इज स्लो, और इसमें आपके पास एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाता है विच इज सोडियम एल्यूमिनेट. इट इज कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो है ये बेसिकली आप पार्ट टू के अंदर पढ़ोगे. इन दिस सोडियम इज पॉजिटिवली चार्ज एंड एल्यूमिनियम इज द सेंट्रल मेटल लाइन, साथ पे इसके चार OH आके यूं करके अटैच हो जाते हैं, एंड दीज आर द कॉल्ड लिगेंड्स. ये जो चार OH मैंने साइडों पे लगाए हैं, दे आर कॉल्ड लिगेंड्स, एंड दिस एल्यूमिनियम इज कॉल्ड दी सेंट्रल मेटल आयन. एंड ये जो पूरी ब्रैकेट मैंने लिखी है, दिस इज कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स, और इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर फिलहाल नेगेटिव वन चार्ज है. सो ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स आप पढ़ोगे पार्ट टू के अंदर, जिसके अंदर आपका जो चैप्टर होगा हैलोजन्स का, आप उसके अंदर इसको प्रॉब्ली पढ़ोगे, या बल्कि ट्रांजिशन मेटल्स के अंदर आप स्टडी करोगे पार्ट टू के अंदर. सो इन शॉर्ट ये दोनों आपस में रिएक्ट करके ये पूरा एक चीज बनाते हैं, और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है. एग्रीड. अब आप अगर ऐसा करो कि इसी एल्यूमिनियम के छोटे छोटे पार्ट्स कर दो, तो लेट से आपने ये हिस्सा जो है इसको इससे अलग कर दिया, ठीक है,
और आपने एक और ये वाला हिस्सा एलुमिनियम का अलग कर दिया है और आपने ये वाला पार्ट जो है एलुमिनियम का अलग कर दिया है और ये आपने छोटे छोटे ना एलुमिनियम के चंक्स बना दिए। और अब अगर आप इन चंक्स का रिएक्शन करवाओगे तो अब जो एक्सपोज्ड एरिया है अगर आप वो देखो वो बढ़ गया है ये साइडों का, ये सारा अब आपस में शामिल हो जाएगा एलुमिनियम का। इन अदर वर्ड्स अगर आप पाउडर्ड फॉर्म में एलुमिनियम लो, सॉलिड फॉर्म में ना, पाउडर भी बेसिकली सॉलिड ही होता है, लेकिन आप उसके छोटे छोटे पीसेज अगर कर दो तो यही रिएक्शन जो है ये बहुत फास्ट हो जाता है, ठीक है, फास्ट भी हो जाएगा। और दूसरा, इवन अगर आप कोल्ड NaOH के साथ रिएक्शन कर रहे हो इवन देन भी रिएक्शन हो जाएगा, ऑल्दो कोल्ड रिएक्शन जो होते हैं वो पॉसिबल नहीं होते। दिस इज इट अबाउट द सर्फेस एरिया। जो नेक्स्ट हमारा आज का टॉपिक है वो ये है कि लाइट जो है उससे क्या फर्क पड़ता है रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर। लाइट को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, राइट, एंड लाइट जो एनर्जी है इट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। आप फिजिक्स के अंदर खास डिटेल के अंदर ये स्टडी कर चुके हुए होंगे और अभी आगे भी करोगे पार्ट टू के अंदर। लाइट के जो फोटॉन्स हैं, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इनकी मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। लाइट का एक पूरा स्पेक्ट्रम बनता है जिसके अंदर आपके पास सेंटर में, सेंटर से थोड़ा राइट या लेफ्ट के साइड पे आप करके बनाओगे इसको, विजिबल रीजन होता है और आप जितनी भी लाइट रियल लाइफ में देख सकते हो वो सारी की सारी इसके अंदर फॉल करती हैं। इसके एक साइड पे रेड होता है और एक साइड पे आपके पास वायलेट या ब्लू होता है, ठीक है। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ है वो बिटवीन 400 and 700 nanometers होती है, 700 फॉर रेड एंड 400 फॉर वायलेट, ये यूं करके होती है, ठीक हो गया। और जो बाकी रेड साइड के इस साइड पे इंफ्रारेड होता है, सॉरी इसको मुझे रेड में लिखना चाहिए, इंफ्रारेड, एंड जो ब्लू या वायलेट है इस साइड के इस साइड पे होता है अल्ट्रा वायलेट। सिमिलरली इंफ्रारेड के इस साइड पे आपके पास फिर रेडियो वेव्स हो जाती हैं और आपके पास माइक्रोवेव्स हो जाती हैं और इस किस्म की जो लॉन्गर वेवलेंथ हैं, और आपके पास अल्ट्रा वायलेट के राइट साइड पे आपके पास एक्सरेज और आपके पास गैमा रेज और हाई एनर्जी रेज या लो वेवलेंथ की रेज होती हैं। इन तमाम को ओवरऑल लाइट ही बोला जाता है और इन तमाम की मुख्तलिफ एनर्जी होती है। ई इज गिवन बाय एच टाइम्स द फ्रीक्वेंसी वेयर एच इज द प्लैंक्स कांस्टेंट। दिस इज अ लिटिल बिट ऑफ रिव्यू कि लाइट होती क्या है। अब जब आप किसी रिएक्शन अगर हो रहा है, फॉर एग्जांपल H2 एंड Cl2 आर रिएक्टिंग टुगेदर, आपको पता है कि हाइड्रोजन भी एटमॉस्फेयर में है और क्लोरीन भी है, एंड इफ यू अलाउ देम टू रिएक्ट टुगेदर इन द एब्सेंस ऑफ लाइट तो रिएक्शन होता ही नहीं है, ठीक है, नो रिएक्शन। बट अगर आप इसी रिएक्शन में आप डे लाइट के अंदर आप रिएक्शन करो, डे लाइट का मतलब है हल्की हल्की अभी आपने लाइट डाली है ट्यूब लाइट वगैरह के अंदर, तो वेरी स्लो रिएक्शन। और अगर इसी रिएक्शन में आप स्ट्रॉन्ग इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट करो, बिल्कुल धूप में रख दो इसको, सनलाइट की प्रेजेंस में करो, तो बहुत ही एक्सप्लोजिव रिएक्शन होना शुरू हो जाता है, वेरी वेरी फास्ट रिएक्शन। द रेट इंक्रीजेज डायरेक्टली विद लाइट फॉलिंग ऑन द रिएक्टेंट्स, एंड दिस इज बिकॉज के एक्टिवेशन एनर्जी जो आपको रिक्वायर्ड होती है इट इज गिवन बाय द एनर्जी ऑफ द फोटॉन्स। जो फोटॉन्स हैं वो रिएक्टेंट्स को आगे टकराएंगे, ठीक है, रिएक्टेंट्स के जो एटम्स हैं वो उनको आगे टकराएंगे, एंड दीज विल गेट एक्साइटेड, इनके पास एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाएगी, सो देयर काइनेटिक एनर्जी एंड दिस एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी सफिशेंट टू रीच द एक्टिवेशन एनर्जी और आपके पास अफेक्टिव कोलिजन फिर पॉसिबल हो जाएगा। सो अफेक्टिव कोलिजन्स के लिए इट इज नेसेसरी कि एक्टिवेशन एनर्जी कम अज कम मॉलिक्यूल्स अटेन कर लें। सो इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट रिएक्शंस जो हैं वो अपना रेट जो है वो इंक्रीज करते हैं, राइट। इसके अलावा देयर आर मेनी अदर्स एग्जाम्पल्स, आपके पास जितने अल्केन्स हैं, लोअर ऑर्डर अल्केन्स जो होते हैं, दे रिएक्ट विद क्लोरीन एंड हेलोजन्स, जिसको हम हेलोजिनेशन बोलते हैं इन इस किस्म के रिएक्शंस को। ये भी अगेन आप पार्ट टू के अंदर खासी डिटेल के अंदर इनका मैकेनिज्म भी आप पढ़ोगे। ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के साथ होता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। अब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के लिए इट इज इंपॉर्टेंट कि क्लोरीन जो है इट फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेक्स, ठीक है, इट ब्रेक्स इन टू Cl एंड Cl। वेन टू ब्रेक दिस यू नीड अ सर्टन अमाउंट ऑफ एनर्जी, एंड दिस एनर्जी इज बेसिकली गिवन बाय सनलाइट। सो लाइट जो है उससे अब आपको क्लियर हो गया होगा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट ऑन द रिएक्टेंट्स।
इसके अलावा देर इज अनदर इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो फोटोसिंथेसिस का होता है, इसके बारे में भी आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस डे टाइम के अंदर हो रहा होता है, और डे टाइम के अंदर इस वजह से हो रहा होता है बिकॉज डे टाइम के अंदर सनलाइट जो होती है इट इज हेल्पिंग द रिएक्शन टू प्रोसीड, और वो उसके रेट ऑफ रिएक्शन को कंट्रोल करती है, उसको इंक्रीज कर देती है, जिस वजह से रिएक्शंस बहुत ही इजीली हो जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अदरवाइज फोटोसिंथेसिस नाइट टाइम पे इसी वजह से तो पॉसिबल नहीं है, नाइट टाइम पे नहीं होती फोटोसिंथेसिस और डे लाइट पे हो जाती है, बिकॉज लाइट जो है इट हेल्प्स इन अन इफेक्टिव कोलिजंस एंड हेंस द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। दिस इज इट फॉर टुडेज लेक्चर। इससे जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा हम इसके अंदर आज तो हमने देखा ना कि सरफेस एरिया एंड लाइट का क्या इफेक्ट होता है ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन, इसे नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, और बेसिकली दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, टेम्परेचर का इफेक्ट। टेम्परेचर से बेसिकली होता यह है, थोड़ा सा मैं आपको भी बता देता हूँ कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी, दिस इज गिवन बाय द काइनेटिक मॉडल ऑफ नेचर। अब जो जो आप टेम्परेचर बढ़ाते हो मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, तो वो ज्यादा आगे पीछे मूव करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, ये मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स हैं, ये बहुत तेजी से मूव करना शुरू कर देते हैं। अब तेजी से मूव करने का मतलब ये हुआ कि जो एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड थी वो इनको टेम्परेचर की वजह से एक्स्ट्रा एनर्जी मिल जाएगी और रिएक्शन का जो रेट है वो तेज हो जाएगा, ठीक है। पर एट द सेम टाइम हमें और भी खासे फैक्टर्स को देखना पड़ता है, इन फैक्टर्स को हम क्वांटिटेटिवली भी डिस्क्राइब करते हैं यूजिंग आर्हेनियस इक्वेशन। बेसिकली दिस साइंटिस्ट फाउंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन द रेट ऑफ रिएक्शन एंड टेम्परेचर, रेट ऑफ रिएक्शन एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, और इस इक्वेशन को हम लोग आर्हेनियस इक्वेशन कहते हैं। विल डू दीज टॉपिक्स इन द नेक्स्ट लेक्चर।